क्या आप बता देते ना क्या बेचती है? ढल के डूबती इस कश्तियों को साहिल मिल गया है, बहारे गुल खिला है, अंधेरे छी। ये बहुत तड़पता था, ब्लॉग में ले लो, ब्लॉग में ले लो करके आप ले लेते हैं। छीन के तू रोशनी भर गई। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेले में, जीआईसी कॉलेज के, जीआईसी कॉलेज ग्राउंड में लगा हुआ है मेला। तो हम सभी लोग जा रहे हैं सावन का मेला, सावन का मेला लगा है तो हम लोग जा रहे हैं वहीं पे कॉलेज फील्ड। तो दिखाते हैं आपको किस टाइप का लगा है मेला, किस टाइप का मेला लगा है, अच्छा है कि नहीं बताएंगे आपको ही वहीं पे। काफी भीड़ हो रही है यहाँ पे आज संडे, क्योंकि इसी वजह से सब लोग आए हैं मेले में। हट रहे भी नहीं है लोग। रोड काफी कंजेस्टेड भी है। यहाँ पे हो रही खतरनाक। तो गाइस, तो यहाँ से ऊपर तो गाड़ी जाने लायक है नहीं रोड, और भीड़ भी काफी है, तो इस वजह से हम लोग गाड़ी यहीं पे लगा रहे हैं। यार वो गाड़ी वाला लगा रहा है, इसके पीछे लगा दे। तो गाइस, तो गाड़ी हमने खड़ी कर दी है यहाँ पे, सब लोगों ने यहीं पे खड़ी किया तो हमने भी यहीं पे कर दी। राइडर भी उतर रहे हैं, चले फिर। तो गाड़ी हमने पीछे खड़ी कर दी है और हम लोग जा रहे हैं पैदल, और रास्ता भी बहुत गंदा है यहाँ पे, तो हम लोग गाड़ी नहीं लाए ऊपर। चलो फिर जाना है पैदल। वैसे जो लोग ला रहे हैं यहाँ पे गाड़ियाँ, बट सेफ्टी फर्स्ट है, क्योंकि यार खाली टायर वायर लग जा रहा है पत्थरों में, कट कट लग जा रहा तो सही नहीं होता। हाँ, अगर डांस होता तो मज़ा आता ना, जैसे सब स्कूल के बच्चे बच्चे वगैरह आते हैं ना। यहाँ पे कोई डांस वांस नहीं, खाली नॉर्मल मेला है, मेला है। तो गाइस, हम लोग फाइनली मेले में एंटर हो चुके हैं और क्राउड चेक कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। काफ़ी यहाँ पे थोड़ा रे मिल गए, यहाँ पे रुके लो, क्राउड बहुत ज्यादा है यार, कुछ मेरे तो पता नहीं यार। और भाई कैसा लग रहा है मेले में आके? अच्छा लग रहा है, सही है कि नहीं मेला? कैसा लग रहा है मेले में आके? बढ़िया, तो अच्छा ही लग रहा है सबको। भीड़ काफी ज्यादा है यार, पूरा धारचूला यहीं इकट्ठा हो रखा है। तो गाइस, तो हमें यहाँ पे कौन मिले हैं? मिले नहीं, मिला अपना ही भाई है ओम। ये बहुत तड़पता था, ब्लॉग में ले लो, ब्लॉग में ले लो करके आप ले लेते हैं, मजा कर रहा है अब कुछ हो गया। तो यहाँ पे टोकरी देख रहे हैं, ये भी क्या लेना यार, हो गया तुम और रुक गया यार लोग। ये बर्तन देख रहे हैं, गाइस तो एक और मिली हमें। हेलो हेलो, तो मुझे यहाँ पे मेरे दो सब्सक्राइबर मिले हैं क्या? आप बता दो जरा क्या बेचती थी। सो गाइस, तो हर तरफ से मुझे मेरे सब्सक्राइबर ही मिल रहे हैं, ये दो मिल गए और
ओहो गुड, इसने नहीं किया लेकिन इसने जाओ चोर के ले जाओ एक और। तो गाइस तो अभी तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं वापस घर, सब लोगों को छोड़ के हम लोग आएंगे वापस मेले में। सो गाइस तो मेले से हम लोग सीधे आ गए थे भाई लोगों के साथ घूमने। हेलो ब्रो बाय, चलो मिलते हैं कल आपको, ठीक है? भाई लोग जा रहे हैं काली का अपने घर और हम लोग जाते धारशिला। चलो फिर बैठो सर। ओके बैठो, दिख रहे भी नहीं हो यार, लग गया क्या भाई? बैठ गया, चलो फिर चलते हैं यार अब। ओके ब्रो। ओके ये वो आ रहे तुम्हें क्या उड़ के देखिए, अंधेरा हो चुका है, रोड की हालत। तो गाइस तो तुम्हारा भाई बहुत ही हैवी ड्राइवर है। रंग रेजा इसमें बोलना आज के लिए बहुत वो हो गया। सही आज कल तो पढ़ाई भी कर रहा है, जिम भी जा रहा है, तो कुछ हो गया। सो गाइस तो अभी हम लोग पहुंच चुके ग्वालगांव, मतलब ग्वालगांव नहीं तवागा चौराहे में, और हम लोग चिकन ले रहे हैं अभी भाई, तो चिकन लेते हैं और फिर हम जाएंगे आज सीधे घर, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुका है आज हमें, 7-8 बज गए, देख ही सकते हो आप लोग पूरा अंधेरा हो चुका है। तो अब मिलते हैं आज सीधे घर पहुँचने के बाद। सो गाइस तो मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ घर पर और गाड़ी हमने पार्क कर दी है यहाँ पर, और ये किससे गिफ्ट है वैसे? अरे क्या क्या है इसमें बताया नहीं, चलो बाद में पूछ लूंगा, अभी रिवील नहीं करना है। तो चलो फिर अब मैं जाता हूँ अंदर रूम पे और फिर रूम पे पहुँच के मिलता हूँ आप। सो गाइस तो मैं फाइनली रूम पे पहुँच चुका हूँ और मैंने फेस भी वॉश कर लिया है, अंदर तो नहीं लग रहा होगा बट फिर भी खाली वाटर लगाया हल्का सा बस, और काफी तक क्या रास्ता हालत खराब हो गई, फिर गाड़ी भी यहाँ पे तक लाया। आज मैं पहली बार लाया मतलब घर के सामने तक गाड़ी ना, गोठी से यहाँ तक खुद ही लाया, और दादा ने मना भी नहीं किया वरना तो छीन लेते थे ऊपर हिम टॉप में, बट आज उन्होंने कहा कि ले जा, तो मैंने कहा भी चल लो चलते हैं। तो अब मैं कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ फिर खाना खाते टाइम पे मिलता हूँ आपसे। hey guys, तो फाइनली नाइट के 9:30 हो चुके हैं और यह है अपना डिनर टाइम, और डिनर में और आज डिनर में है क्या, रोटी चिकन सैलेड, क्योंकि मैं भात तो नहीं खाता हूँ आप, क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ज्वाइन किया है जिम तो मैंने राइस वाइस सब छोड़ दिया, अब मैं सैलेड खाता हूँ, रोटी एंड वही सिंपल सिंपल खाना खाता हूँ बस, ज़्यादा ऑयली नहीं। तो चलो फिर अब मैं खाना खाता हूँ, फिर खाना खाने के बाद मिलता हूँ आपसे।